जैन मुनि तरुण सागर के देवलोक गमन पर प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने शोक जाहिर किया। कटारिया ने कहा कि मुनि तरुण सागर जी ने अपने कड़वे प्रवचनों से लोगों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया और वो सदैव लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। कटारिया ने मुनि के निधन को समाज और देश के लिए बड़ी क्षति बताया। संत था जो अपने कड़वे वचनों से हकीकत को जनता के सामने रखने का प्रयास करता था। मैं सोचता हूं कि उनके इस व्याख्यान को सुनने के लिए हजारों लोग आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से बीमारी से ग्रस्त होने के कारण से उनकी आवाज़ एक तरह से देश की जनता के लिए एक तरह से संभव नहीं हो पाई और आज वो देवलोक गमन हो गया है। मैं सोचता हूं कि ऐसे संतों की वाणी को जो उन्होंने कुछ कहा है, किसी के भी लिए कहा है, समाज की बुराइयों को भी उजागर करने का प्रयास किया है, हम लोग अगर वास्तव में उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन बातों को दूर करते हुए अच्छे बनने का प्रयास करेंगे, तब उस संत को सही ढंग से हम श्रद्धांजलि।